सो गाइस, क्या टिकट सच में बैन हो गया है नहीं हुआ है, क्या सच में बैन होने वाला है या नहीं हुआ है, या फिर क्या ये अफवाह है, क्या चीज़ है, मतलब पूरा जो अभी ट्रेंड पे चल रहा है टिकट बैन हो गया, टिकट बैन हो गया, टिकट बैन हो गया, क्या ये सच है या गलत है, आज का वीडियो पूरा बोल खोल कर रख दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि गाइस बहुत सारा लोग बता रहा है टिकट बैन हो गया, टिकट बैन हो गया, टिकट बैन हो गया, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं सच्चाई कि टिकट जो है सच में बैन होने वाला है गाइस, और वो कब होगा, अभी तक बैन हुआ नहीं है टिकट, लेकिन टिकट बैन होगा कब, यहाँ पे आपको मैं मोबाइल का स्क्रीन पे यहाँ पे जिसे दिखा दूंगा गाइस, तो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइस, टिकी ऑफिसर क्लोज यहाँ पे जो कि लेटर, मतलब क्या है कि टिकी बैन होने वाला, जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ गाइस, ठीक है, यहाँ पे जैसे टैप करता हूँ तो यहाँ पे पूरा जो कि थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरा जो कि लिखा हुआ है कब बैन होगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है गाइस, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो गाइस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ हुआ है टिकट बैन होने वाला है, और यहाँ पे जैसे देख सकते हो 27 तारीख मतलब 27 जून, मतलब अभी टाइम है गाइस, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो 27 तारीख को बैन होने वाला है, जो कि 11:59 करीब से करीब 12 बजे रात को यहाँ पे टिकट जो कि यहाँ से जो कि बंद होने वाला है गाइस, टिकट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो टिकट आखिर बैन क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है। एक्चुअली गाइस टिकट पहले जो कि अच्छा प्लेटफॉर्म था, जो कि अच्छा वीडियो आ रहा था, लेकिन क्या है कि अभी जैसे देख सकते हो कि टिकट में अभी पहले जैसा वीडियो नहीं रहा गाइस, ठीक है ना, अभी क्या है कि कुछ भी टिकट में छोड़ देता है, आप लोग देख सकते हो घर बोल के कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, और गंदे गंदगी, मतलब पूरा इतना गंदगी मच गया था और इतना फ्रॉड हो रहा था टिकट में, इसके लिए टिकट जो कि बैन हुआ। पहले क्या टिकटॉक बैन हुआ, फिर जो कि जीली एप्लीकेशन बैन हुआ, जो कि MS टकाटक बैन हुआ, फिर टिकट बैन हो गया। मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि अगर आप लोग एक शॉर्ट वीडियो में पूरा जो कि मेहनत करते हो तो बेकार है गाइस, क्योंकि शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म का कोई भरोसा नहीं है, कब बैन हो जाए कोई उसका भरोसा नहीं है गाइस, क्योंकि जैसे देख सकते हो टिकटॉक बैन हो गया, जीली बैन हो गया, जैसे मान लो कि पूरा मेहनत करके जो में या शॉर्ट जो कि प्लेटफॉर्म में अच्छा से मेहनत करके अपना करियर बनना चाहते हो, मगर वो कब बैन हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे बेटर तरीका क्या है गाइस, आप लोग क्या करना है, यूट्यूब पे दिमाग लगाओ, फेसबुक में दिमाग लगाओ और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये तीनों चीज, ट्विटर हो गया, ऐसा चीज जो है कभी बैन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गया, जैसे योगी हो गया, मोदी हो गया, मतलब ये सब भी जैसे यूट्यूब में, जैसे फेसबुक में, जैसे ट्विटर में, ऐसा एप्लीकेशन में जो कि ये लोग खुद है, तो ये कभी बैन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, टिकी मतलब बहुत सारा ऐसा आपको शॉर्ट जो कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन उसमें आप लोग को दिमाग कम लगाना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि कब कौन सा प्लेटफॉर्म बैन हो जाए किसी को नहीं मालूम गाइस, ठीक है। तो गाइस कि यहाँ पे रवि हो गया, सूरज एक्टर हो गया, बहुत सारा ऐसा जो कि वाइडेंस था, जो कि यहाँ पे जैसे देख सकते हो लाखों रुपए यहाँ पे टिकी से अर्निंग कर रहा था गाइस, लेकिन अचानक से टिकी जो कि बैन होने का जो खबर सुन के सबको हार्ट अटैक जैसे आने जैसा, मतलब ढेस पहुँचाया गया। यहाँ पे जैसे देख सकते हो बहुत मेहनत लगता है गाइस वीडियो बनाने, मगर उतना वीडियो बना के अपना जो कि फॉलोवर्स, अपना फैन फॉलोइंग बना के अगर अचानक से ऐप बैन हो जाता है तो बहुत दुख होता है गाइस, और मुझे भी दुख हुआ, लेकिन मुझे उतना दुख नहीं हुआ गाइस, क्योंकि मैं टिकट से 1 रुपये अभी तक अर्निंग नहीं किया हूँ, और उसमें मैं उतना फोकस नहीं करता, ऐसे नॉर्मली सिर्फ इंजॉय करने के लिए आया था, और टिकी में मैं नॉर्मली वीडियो छोड़ रहा था, अभी उतना मैं फोकस भी 1.5 महीने से मैं वीडियो भी नहीं छोड़ा हूँ टिकी पे, ठीक है। सो खैर कोई नहीं, क्या ही कर सकते आप जब बैन हो गया तो, ठीक है। सो गाइस ये बिल्ड टिकट सच में ही बैन होने वाला है, क्योंकि गाइस इसमें बहुत गंदगी मच गया था और इसको बैन तो होना ही था एक दिन, लेकिन अच्छा हुआ कि पहले ही बैन हो गया। और गाइस जो कि बैन होने का दुख हमें भी है, जो कि बहुत सारा ऐसा जो क्रिएटर था जो कि अच्छा खासा टिकट से अर्निंग कर रहा था गाइस, उससे उसका रोजी चल रहा था, उसका घर चल रहा था, मगर टिकट बैन होने के बाद क्या करेगा सबको ही मालूम। मगर मैं आप लोगों को एक जो कि बात बता दूँ गाइस, टी के तरह टिकी से अच्छा आपको प्लेटफॉर्म एक बताने वाला हूँ, जो कि गोल्ड ट्यूशन ऐप, जो कि अभी फिलहाल सबसे टॉप नंबर वन पे है, क्योंकि अच्छा सा अर्निंग दे रहा है गाइज, हफ्ते में आप $200 से $300 इजीली अर्निंग कर सकते हो जो कि गोल्ड ट्यूशन ऐप से। सो गाइज इसमें किस प्रकार से आईडी बनाना है, किस प्रकार से क्या करना है, पूरा डिटेल में बताया हूँ, एक वीडियो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर आप देख लेना, किस प्रकार से गोल्ड ट्यूशन पे रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से वॉलेट एक्टिव करना है, किस प्रकार से अर्निंग करना है, पूरा प्रोसेस बताया हूँ गाइज, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। जिस प्रकार से आप टिकी में मेहनत करते हो उसी प्रकार से अगर आप गोल्ड ट्यूशन में मेहनत करोगे तो आप जल्दी ही ग्रो करोगे, और जो कि गोल्ड ट्यूशन एप्लीकेशन से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो गाइज। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो गाइज कि गोल्ड ट्यूशन एप्लीकेशन से बंदा जो कि हफ्ते में जो कि $200 कमा रहा है गाइज, ठीक है, तो आप भी कमा सकते हो। सो गाइज खर जो कि ये तो एक बैड न्यूज था कि टिकी बंद होने वाला है,
मगर लास्ट में आप लोगों को गुड न्यूज बता दिया, टीवी के तरह ही टीवी से अच्छा एक एप्लीकेशन जो गोचूस है, तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखना है, उसमें किस प्रकार से आईडी लगाना है, किस प्रकार से आपको वॉलेट एक्टिव करना है, किस प्रकार से आपको पैसा मिलता है, पूरा बताया होगा, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। लास्ट में आप लोग का दिल खुश हो गया अगर, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल भी नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल में आपको अर्निंग से रिलेटेड और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है इस चैनल में, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना था, ओके बाय, टेक केयर।